अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ, आज मेरा व्लॉग है, आज मैं बना रही हूँ मटन मसाला। ये मैंने मटन लिया है, ये इसके लिए मैंने दही ली है, ये मैंने टमाटर लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, ये कटी हुई मैंने अदरक लिया, और ये मैंने दो प्याज लिए हैं, ठीक है। ये ऑयल गर्म हो गया, मैं इसको इसमें डाल, ठीक है। ये रिजर देखिए, ये प्याज जो है ये नरम हो गया। अब मैं इसमें ये गोश्त डालूंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए व्यूअर्स, ये कुटा हुआ मैंने अदरक लहसुन ये भी इसमें डाल दिया। इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसको ज़रा अच्छी तरह इसका पानी खुश्क कर रही हूँ। थोड़ा सा हो गया, बस थोड़ा सा ही रह गया। फिर मैं इसमें ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने तीन सब्ज़ मिर्चें ली है और दो टमाटर लिए हैं, ठीक है। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। पहले मैं इसको नरम कर लूँगी, अच्छी तरह खुश्क कर लूँगी, फिर मैं इसमें दही भी डालूँगी और नमक मिर्च डाल दूँगी, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इसमें मैं लाल मिर्चें डाल दूँगी, धनिया डालूँगी, ये देखें सूखा पीसा हुआ धनिया डाल दूँगी, मैं हल्दी डालूँगी, ये देखें अभी बस, ये मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं काला नमक डाल दूँगी। मैंने दही लिए, ये मैंने हांडी दही ली है, क्योंकि ये सब ज़रा अच्छी होती है, इसमें पानी कम होता है, वो बाकी बाजार की दही में तो बहुत पानी होता है। ये देखिए इसको अच्छी तरह मैंने भून लेना है, और फिर मैं इसको पानी डाल के प्रेशर पे रखूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए, ठीक। ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए इसका मसाला भी देखिए, ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त मसाला बना, ठीक है। ये मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाह, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आज हमने बनाया मटन मसाला, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये था आज का हमारा बहुत ही डिलीशियस सा व्लॉग, आज हमने बनाया मटन मसाला। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉचर्स रिव्यूज़ दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें, हासिल कीजिए मज़ेदार रेसिपीज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, अल्लाह निगहबान।